बिंदुवार चर्चा होगी तो रास्ता निकालने में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सर, एमएसपी का जो प्रमुख मुद्दा है वो उसे हल करेंगे? सर, एमएसपी को जो लेके बात कर रहे हैं, एमएसपी का जो प्रमुख मुद्दा है कि उसको कानून में लिखिए आप। देखिए, दरअसल क्या है कि जो भी विषय आएगा बैठक में, उस बैठक में विषय पर चर्चा होगी, कौन सी चीज कहाँ निराकृत की जा सकती है उसका कानून पक्ष देखा जाएगा, उसके बाद कोई निर्णय की दिशा तय होगी। सर, किसान यूनियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि ये तीनों कानून रद्द हो, वरना वो नहीं उठेंगे और एंट्री पॉइंट्स बंद करे रखेंगे। देखिए, कल 3 दिसंबर को किसान यूनियन के लोग आने वाले हैं और वो अपने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जब उनके बिंदु आएंगे तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो अपना पक्ष रखेंगे, देखते हैं कहां तक समाधान हो सकता है। सर, देश में अभी दिल्ली तो पूरा जेल में तब्दील हो चुका है, आज 7वां दिन है, कल 8वां दिन हो जाएगा, कल भी नहीं उठेंगे तो 8 दिन में तो दिल्ली की बुरी हालत हो जाएगी। सर, उसको लेकर क्या सरकार के पास कोई प्लान भी है? मैं दिल्ली के लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वो संयम का परिचय दें और उनकी तकलीफ है ये, इसका एहसास सरकार को भी है और किसान भाइयों को भी। मैं पहले भी अनुरोध करता रहा हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वो चर्चा से ही हल निकालें, और चर्चा तो चली रही है और हमारी कोशिश है कि जल्दी समाधान हो जाए। सर, आपने इतनी चर्चा की है, किसानों ने कुछ तो बिंदु बताए होंगे जिन पर आप लोग भी विचार कर रहे होंगे कि ये हो सकते हैं या नहीं? देखिए, चर्चा हुई है, कुछ विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन जब तक क्लॉज वाइज क्लॉज एक्ट पर चर्चा ना हो और वो एक्ट कैसे किसानों के विरुद्ध है, उसका कौन सा क्लॉज विरुद्ध है, वो तभी तो दिशा आगे बढ़ेगी ना।